नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे संपादकीय व्याख्या में, एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक 27 अगस्त 2022 और हम आज में जो आज के जो समाचार में मुख्य लेख छपे हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे इसको वीडियो को। उससे पहले अगर आपको ये दैनिक जागरण का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहां पर जाकर उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। युवा जो हमारा पहला लेख है वो यहाँ पर मैं आपको एक बता दूँ कौन कौन से लेख जरूरी है इसमें जो आज छपे हैं उनमें। देखते हैं कि पहला वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला लेख। उसके अलावा संवरना चाहिए अध्यापक शिक्षा का स्वरूप, ये भी देख सकते हैं। और पशुपालकों के हित में अपने अपने संकेतक के को पढ़ सकते हैं। आतंकी फंडिंग पर लगे पूरी तरह से लगाम, चरमपंथ पर नियंत्रण आवश्यक। उसके अलावा जेल सुधार का बेहतर प्रयास, ये एक मुख्य लेख है इसमें छपे हुए। हम इसमें सिर्फ जो दो मुख्य लेख हैं हम उनको चर्चा करेंगे। उसके अलावा पहले नंबर पे हम इस पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे आतंकी फंडिंग वाले पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा जी आपको हमारा इस अखबार का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पिछले कुछ समय से शिक्षा पर काफी बहस हुई है। एक ओर बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला सुर्खियों में रहा तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसने प्राइमरी स्कूलों के माध्यम से शिक्षा में भारी सुधार किया। अब जो आजकल भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन और जो खबरें आ रही है उनमें सब उसके ऊपर हम पूरे चर्चा करेंगे। और जो हमारे इतिहास से रहा और भारत की स्थिति है और क्या सुधार करेंगे इसके बारे में यह लेख पूरी तरीके से बात करता है। शिक्षा में भ्रष्टाचार होगा नई बात तो है नहीं दोस्तों। और जो हम पिछले और अगर अभी की देखें तो उसके अलावा और पिछले सालों में देखें तो उसमें भी बहुत सारे घोटाले सामने आते हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था और जिनको समय में और भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बोर्ड परीक्षाओं में धड़ल्ले से नकल को लेकर भी खबरों में रहे थे। और उसके अलावा जो जो ये बिंदु है ये मतलब दिखा दे कि शिक्षा जगत में और शिक्षा क्षेत्र में कितने सारी कमियां हैं और कितनी सारी समस्याएं हैं और उनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है, इसका संकेत भी करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम भारत की पृष्ठभूमि देखते हैं 1947 से, तो उसमें पता चलता है कि स्कूलों की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद स्कूलों की संख्या है वो भारत में 10 गुना बढ़ी है। 1947 तक देश में करीब 1.5 लाख स्कूल थे, यानी कि जो 1947 तक देश में सिर्फ 1.5 लाख स्कूल थे और जिनकी संख्या 2021-22 में बढ़कर 15 लाख हो गई। और यहाँ पर इसके 15 लाख हुई जिसके कुछ कारण भी है, जिसका एक जिनमें एक सड़क का बनना है, पुलों की संख्या बढ़ी, जिसकी संख्या से उधरे जो सुधरे बुनियादी ढांचे से स्कूल तक पहुंच बेहतर हो गई, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाने लग गए। उसके अलावा कुछ योजनाएं जैसे कि मिड डे मील, वह योजनाएं भी काफी कारगर हुई इस सबको बढ़ावा देने में और सकारात्मक प्रभाव उन्होंने इस पर भी डाला। और एक वैसे देखा जाए तो भारत का साक्षरता स्तर दोस्तों अभी भी वैश्विक औसत से बहुत ही कम है, पर लेकिन जो 1951 से जो बहुत मुश्किल 18% था वो अब साक्षरता दर हमारे यहाँ पर 74%, यानी कि 74% पहुंच गया है। और ये आंकड़े 2011 की जनगणना के थे। अगर दोस्तों हम एक डाटा देखते हैं ग्राफ या फिर पिक्चर के माध्यम से, यहाँ पता चलता है कि जो भारत में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आप यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ कि यहाँ पर जो भारत में 1951 में महिला और पुरुष की शिक्षा में इसका औसत जो था लगभग वो 18 के लगभग, जो ये हमारे ग्राफ है इसमें वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और ये दोनों का हमारे यहाँ पर हमने एवरेज लिया था उसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं की शिक्षा कम थी और पुरुषों की यहाँ पर महिलाओं में 12.87 करीब थी और पुरुषों में 30.32 के करीब थी शिक्षा की, जो मतलब लिटरेसी रेट या लिटरेसी लेवल आप बोल सकते हो उसको, जो 1961 से बड़ा है। उसके अलावा लगातार हम आज जो है हमारे यहाँ पर पहुंच गए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि 74% के लगभग बैठता है। उसके अलावा साक्षरता दर बढ़ने के बावजूद शिक्षा के समग्र स्तर में मानकों के अनुरूप अपेक्षित प्रगति नहीं हुई, यानी कि अभी भी हमारी साक्षरता दर तो जरूर बढ़ी है पर तो उन मानकों में अच्छी प्रगति नहीं हुई जो इसको और अच्छा बना सके। और उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। उससे पहले हमें जो वैश्विक स्तर पर अगर आप भारत की देखेंगे, भारत की शिक्षा भारत मतलब
कौन से स्तर पे है, तो भी हमारे पास उसके लिए भी पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डार्क ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा वो 97% के लगभग, मतलब 97% से ज़्यादा वहाँ पर लिटरेसी रेट है। उसके अलावा जो आपको इससे थोड़ा स्काई कलर दिख रहा होगा यहाँ पर, और जो नेवी ब्लू है इसमें आप 92-97% के लगभग है। उसके अलावा जो देखिए ग्रीन, डार्क ग्रीन आपको दिख रहा होगा जो कि भारत में कलर है, यहाँ पर मतलब 70 से 80% के बीच में लिटरेसी रेट है जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 70 से 80%। और सबसे कम जहाँ पर लिटरेसी रेट है वो रेड कलर वाला एरिया है, ये आप देख सकते होंगे यहाँ पर, ये रेड कलर वाले ये अफ्रीका में कुछ देश है और यहाँ पर हमारे एशिया में एक एक देश है। उसके अलावा जो आपको सबसे ज्यादा शिक्षित शिक्षित है वो अमेरिका है, कनाडा है, अलास्का है अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया हुआ, और हमारे दक्षिण अमेरिका में है, और रूस आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर लिटरेसी रेट का आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारत स्टैंड करता है वर्ल्ड लेवल पर। देखते हैं इसमें समस्याएं क्या थी दोस्तों। तो इसका शिक्षा के जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सक्षम शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़ी है, यानी कि सक्षम शिक्षक है वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है, और ग्रामीण में बहुत ही कमी है उनकी। अगर है, अगर अगर कहीं पर शिक्षक की उपलब्ध भी है तो उनकी क्षमताएं भी उनके मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है उस क्षमताएं भी उनका। और उसके अलावा वो उन जो शिक्षा के ग्रामीणों में उन अनुपस्थिति बहुत रहती है और समर्पण की भावना बहुत कम रहती है। और देखा यह भी गया है दोस्तों कि वो सरकार से तो वेतन लेते हैं परंतु साइड में अपना काम धंधे पर भी लगे रहते हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाने पर या फिर उसमें शैक्षणिक कार्य में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके अलावा और इसीलिए कहा भी जाता है और सरकार को कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, और दोनों को मिलकर एक अच्छे शिक्षा नीति या फिर अच्छे तरीके से कार्यान्वयन की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। और अगर हम फिर भी अगर इसमें बजट भी बढ़ा दे तो उसमें भी कुछ समस्याएं हैं दोस्तों, क्योंकि निवेश पर प्रतिफल कम है, क्योंकि पूरे तंत्र में भारी रिसाव की स्थिति बनी हुई, यानी कि पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार के साथ लोगों में अपनी अपनी जिम्मेदारी के प्रति कोई एहसास का उन्होंने उनमें कोई एहसास नहीं है जिम्मेदारी के प्रति, और जो सारे किंग कर्तव्य विमूढ़ है, यानी किसी को अपने कर्तव्य की भान नहीं है, और भ्रष्टाचार का हर एक दफ्तर में फैला हुआ है। इसीलिए जो स्कूलों में शिक्षा है वहां पर अगर निवेश ही बढ़ा दिया जाता है तो वो भी पैसा सारा भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार की आहुति में जल जाएगा। इसीलिए हमें निवेश के साथ साथ वहाँ गुणवत्ता और कुछ ऐसे निगरानी सिस्टम बनाने चाहिए ताकि हम उन सभी टीचर्स पर भी नजर रख सकें जो कि इन सब कामों में जो सरकार का आदेश है या फिर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं। जो तमाम बच्चे हैं स्कूल की पढ़ाई के बाद ही शिक्षा से किनारा कर लेते हैं, यह भी एक कारण होता है, यानी क्योंकि बहुत सारे जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं वो आगे का उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है। अगर जानकारी होती है तो घर के कार्यों में अपने खेती बाड़ी में उसमें लग जाते हैं, और उसके अलावा कोई आगे की पढ़ाई भी करता है तो स्नातक के बाद तमाम बेरोजगार रह जाते हैं। और उसी के साथ और इसी कारणों से कुछ प्रभावशाली जो मतलब छात्र भी होते हैं वो भी नौकरी पाने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरियों की संख्या कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और सही से तैयारी ना हो पाना या फिर जो कोई बड़ी बड़ी कोचिंगों की बड़ी बड़ी फीस के कारण भी कुछ बच्चे छात्र तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से भी क्योंकि गरीब परिवार से आने वाले छात्र बड़े बड़े शहरों में जाकर ऐसी कोचिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग से ही होता है, परंतु यह भी एक कारण के रूप में देखा गया है इसमें कि और इसीलिए वो अपने पारिवारिक कार्यों में लग जाते हैं या फिर अपने ही गाँव में सिमट कर रह जाते हैं। फिर या तो वो किसी कंपनियों में जाकर नौकरी करते हैं या फिर ऐसे अब किसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कार्य पर लग जाते हैं, जिससे कि उनकी प्रतिभा का उपयोग सही से नहीं हो पाता है। जो शहरों में सरकारी स्कूलों की खराब हालत गुणवत्ता के चलते निजी स्कूल फलते फूलते गए, यानी कि जो शहरों में जो सरकारी स्कूल है उनकी खराब हालत के कारण जो निजी स्कूल है वहां पर फलते फूलते जा रहे हैं, उनके आकर्षक नाम और बड़ी बड़ी फीस लोगों के धन का लूट लूट हो रही है। हालांकि बहुत सारे इसमें भी बहुत सारे स्थानों पर देखा गया है कि वहां पर भी गुणवत्ता वाले मानकों का स्तर पर
नहीं है, मतलब जो मानक है वहाँ के वो गुणवत्ता वाले स्तर पर नहीं है सही से। उसके कारण फिर वहाँ पर बच्चों को ट्यूशन करना पड़ता है, जिसमें कि इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा शिक्षा प्रति आकर्षण ने IIT IIM के लिए कोचिंग से लेकर मेडिकल कॉलेज को पूरा उद्योग विकसित कर दिया, यानी कि शिक्षा क्षेत्र को पूरा उद्योग के रूप में विकसित कर दिया गया है। और इसके बाद अगर उसके बाद वे अपने डिग्री से निचले स्तर की नौकरियों के आवेदन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ डिग्रियां होती है क्योंकि, और जो आवश्यक ज्ञान है या आवश्यक स्किल है वो नहीं होती, जिसके कारण प्राइवेट नौकरियों में उनको नौकरियां नहीं मिलती है या प्राइवेट में कार्य नहीं होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, क्योंकि स्किल की कमी के कारण वहां पर उनको नहीं लिया जाता है। और अगर सरकारी में देखा जाए तो सरकारी में भारी मात्रा में प्रतिस्पर्धा होने के कारण भी बहुत सारे रह जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक यह भी एक कारण बनता है बहुत ही आवश्यक सख्त कदम उठाने के लिए शिक्षा में, जो हमें सुधार करने हैं उनके लिए। और अगर हम आगे बढ़े तो देखा जाता है कि जो बहुस्तरीय दृष्टिकोण के जरिए निपटना होगा, यानी कि इसके एक बहुआयामी और बहुस्तरीय दृष्टिकोण जरूरी है। सिर्फ यानी कि सिर्फ बड़े बड़े वादे करने से या फिर स्कूलों को सिर्फ मतलब जो कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करके ये काम नहीं होगा, वहाँ पर जो मुख्य शिक्षक है या फिर जो भी शिक्षक वहाँ पर पढ़ाते हैं उनको एक अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के साथ उनको किस प्रकार से बच्चों में जो है हमें सिर्फ किताबी शिक्षा के अलावा सामाजिक शिक्षा या उनके भविष्य को आगे लेकर जो उन्हें निर्णय लेने हैं उनके प्रति भी उनको सजग और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए भी ऐसी ट्रेनिंग शिक्षकों को देनी चाहिए, ताकि वो अपने विद्यालय में या अपने कॉलेज जहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पर वो। और इसके अलावा जो इन सब बातों का सबूत है वो हम देखते हैं कि जो अकुशल और सरकारी नौकरियां रहती है, यानी जो नौकरियां हैं उनमें जो लगने वाली भीड़ है, उससे इसका पता चल जाता है कि यहाँ पर कितने लोगों को इसकी जरूरत है। तो इसीलिए सरकार को इस पर ध्यान दे, तो इसीलिए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि सरकार इस पर ध्यान दे। इसीलिए जो नई शिक्षा नीति उसमें इसके प्रति कुछ सजगताएं देखी गई है, और जो इसको लेकर बहुत सारे नियम और जो शिक्षक शिक्षक की जो ट्रेनिंग है उस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है, और उसमें कुछ नए प्रावधान भी किए गए हैं। परंतु जो इसमें जो हम मुख्य कार्य है वह यह है कि हमें अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, जनमत निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि नेता तो सिर्फ जो अव्यवहारिक और खोखले वादे करते हैं जिनको कोई ही पूरा करता है पूरी तरीके से, वरना सामान्यतः ये सिर्फ चुनावी वादे होते हैं। और जो समितियां बनती है उनके कुछ सुझाव को मान लिया जाता है, और उन परंतु फिर भी त्वरित जो कार्य है वो करने चाहिए वो नहीं किए जाते हैं। सिर्फ जो जो ढांचे हैं या फिर जो छोटे मोटे कार्य हैं जो जिनमें गड़बड़े दिखाई देती है वो कर दिए जाते हैं, परंतु जो एक बड़े रूप से बदलाव करना चाहिए वो अभी तक नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हमें खुद इसके लिए आगे होना पड़ेगा, मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। जो जनमत निर्माता है और जो अकादमिक जो बड़े बड़े अकादमिक है, जो उद्योग जगत के दिग्गज हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको सामाजिक नजरिया बदलने की दिशा में कुछ मिथकों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और यह महसूस करना चाहिए कि काम की प्रकृति अपरिवर्तनीय ढंग से बदल रही है, यानी कि जो सरकारी नौकरियों के पीछे जा रहे हैं या फिर जो हमारे परंपरागत कार्य है या परंपरागत सिस्टम समझ रहे हैं, मशीन फैक्ट्री वगैरह में कार्य करना या फिर कुछ भी अन्य परंपरागत कार्य है उनमें अब बदलाव हो रहे हैं, यह भी हमें समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम भी अब स्वयं को सक्षम एवं प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए कार्यबल में कटौती कर रहे हैं, यानी कि वो अभी मशीनीकृत हो रहे हैं, अन्यथा या तो वे बंद हो जाएंगे या उनकी बिक्री कर दी जाएगी, यानी उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा या फिर उनको बेच दिया जाएगा अगर वह सरकार के लिए फायदेमंद नहीं होंगे तो। यानी कि जो अतिरिक्त इसके अलावा जो अतिरिक्त डिजिटलीकरण हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला आप देख सकते हैं, उसके अलावा जो मशीन लर्निंग और स्वचालन आदि का उभार से कई सामान्य नौकरियां समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी, क्योंकि यह होगा तो मशीन आएगी तो इंसान को वहां से खत्म कर देगी, यानी इंसान का कार्य वो स्वयं करने लग जाएगी, जिसकी वजह से चालक रहित कार और चालक रहित रेल जैसी संकल्पनाएं शीघ्र ही साकार हो जाएगी।
अब ऐसे में ये नहीं हो सकता है कि हम बिल्कुल ही युवा बेरोजगार हो जाएगा या उसके लिए कार्य नहीं होगा, परंतु जो एक कार्य खत्म होगा तो उसके लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे, परंतु नए अवसर उत्पन्न होंगे परंतु जो उसको भी अपनी स्किल है उसमें सुधार करने की जरूरत है। जो पहले कार्य होते थे उसमें अलग स्किल चाहिए थी, और अब जो नए अवसर पैदा हो रहे हैं उनमें एक नई स्किल की जरूरत है। इसलिए युवा को अपने कौशल विकास पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा, और सरकार को भी इसके प्रति अभियान या इसके प्रति शिक्षा में सिर्फ किताबों ज्ञान के अलावा जो स्किल है वो भी स्कूलों में सिखाए जाए, ऐसा कोई प्रबंध करना पड़ेगा, ऐसे कोर्स बनाने होंगे। हालांकि ऐसे कोर्स चलते भी हैं, परंतु अभी सरकारी स्कूलों में या गांव तक या फिर ऐसे छोटे मोटी जगहों पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, ये सिर्फ बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेजों में आदमी आपको उपलब्ध मिलेंगे। और चालक रहित कार जैसे हमने यहाँ देख लिया है, ये संकल्पनाएं भी शीघ्र ही पूर्ण होती दिखाई देगी। ऐसे में अगली पीढ़ी के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? इस कई परंपरागत नौकरियां घटेगी तो कई नए क्षेत्रों के और विशेषकर सेवा क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर यहाँ पर भी जो कि है, अगर सर नौकरियां घटेगी तो नौकरियां बढ़ेगी भी सारी, क्योंकि अगर सेवा क्षेत्र है वो हमारे यहाँ पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है अभी, और जो कि और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र है, वो भी हमारे यहाँ विकसित नहीं हुआ है, इसलिए तो इसीलिए जो युवा पीढ़ी है उसको अपने कौशल के लिए तैयार रहना होगा, और नए कौशल में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, बजाय इन नई किस्म की नौकरियों के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। यानी कि पीछे जो पुरानी नौकरियां हैं या उनके पीछे पढ़ने की बजाय उनको अब नई नौकरी में अवसर ढूंढने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कंपटीशन कम है और धीरे धीरे यहाँ पर भी होने लग जाएगा नई पीढ़ी। अब क्योंकि नए नए पीढ़ी के अब जो नए युवा आने वाले हैं, इनके आज ये हैं, इनके बाद कोई दूसरा, इनके बाद कोई दूसरे आएंगे, तो उन्हें तो इन नौकरियों के लिए उन्हें आना पड़ेगा। इसलिए अगर अवसर अभी है, इन अगर अभी के युवा को अगर चाहिए कि उसे अब मतलब अगर पुरानी नौकरी है, सिर्फ सरकारी नौकरी के अलावा उसकी दूसरी प्राइवेट नौकरियों की तरफ भी देखना पड़ेगा, और धरातल पर उतर कर जो है वो मतलब प्रधानमंत्री के शब्दों में जो है कि धरातल पर उतार सके कि नौकरी लेने नहीं देने वाले बनिए, ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों में जो प्रधानमंत्री के शब्द उन्होंने कहे थे कि हमको ऐसा बनना है कि हम नौकरी लेने वाले तो बनेंगे ही बनेंगे बहुत सारे, पर हमें अधिकतर को नौकरी देने वाले बनना होगा। इसी से ही अगर अधिकतर ऐसा सोचेंगे तो उनमें से चाहे सभी ना कर सके पर उनमें 10-20 लोग तो ऐसा कर पाएंगे। अगर 10-20 लोगों 10-20 व्यक्तियों ने या युवाओं ने भी ऐसा कर दिखाया तो वो पता नहीं कितने उनके कितने संगी साथियों को नौकरी दे सकेंगे, और धीरे धीरे ऐसे ही करके जो एक एक हमारा विकसित भारत है उसमें भी यह एक बहुत ही यानी कि विकसित भारत का सपना है, उसमें भी यह एक बहुत बड़ा रोल या बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर नौकरियों के हमें मतलब नौकरियों के लिए अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है, यानी कि हमें जो पारंपरिक नौकरियां हैं उनकी जगह अब हमें जो उनका मोह छोड़कर उनकी जगह नई नौकरियां हैं या जो नई 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 नौकरियां आ रही है इंटेलिजेंस वगैरह की, साइंस जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ रही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, उनके लिए अवसर ढूंढने पड़ेंगे, और उनके लिए एक ऐसी हमें अब खुद को तैयार करना पड़ेगा ताकि हम उनमें उनके उनके लिए काबिल बन सके। इसलिए युवा पीढ़ी को इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमने यहाँ तक देखा दोस्तों, उसके अलावा आगे चलते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं, संवरना चाहिए अध्यापक शिक्षा का स्वरूप। उसके अलावा आगे चलते तो यहाँ पर देखते हैं कि अपने अपने संकेतक, इसमें मंदी से जुड़े हुए कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से मंदी के संकेत दिखते हैं, भारत में कैसे कैसे संकेत है, और अमेरिका में जो खास संकेत है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। हम यहाँ पर जानते हैं कि इसमें एक कहावत है संकेत से जुड़ी हुई, ये महत्वपूर्ण है कि संकेत क्या है। उसके अलावा ये एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर खरगोश का, कि किस प्रकार से वो जंगल में हम खरगोश को देख के पता सकते हैं कि यहाँ पर हिंसक प्राणी है या नहीं है। इसके अलावा एक कहावत कही गई यहाँ पर कि कर से पानी तब उठे, चिड़िया नावे धूर, अंडा ले चींटी चले, बरखा है भरपूर। इसका अर्थात यानी इसका मतलब जो इसका दे रखा है कि कर्सा यानी कि जो
हमारा कमंडर ये जो होता है, जो कलश होता है, उसमें अगर वो रखा पानी अपने आप गर्म होने लगे, और जो चिड़िया है वो अपने अंडे, जो उनके अंडे रहते हैं छोटे छोटे, उनको मतलब जो चींटियां हैं वो अपने अंडों को लेकर अगर अपने बिलों से होकर ऊंचे स्थानों पर जाने लगे, जो चिड़िया है वो धूल में स्नान करने लगे, तो समझ लो कि भरपूर बरसात होने वाली है। और इसी प्रकार यहाँ पर कुछ ऐसे मंदी के संकेतों के दिया गया है जिनमें कि कार, ट्रैक्टर, प्लेट आदि का बिक्री घट जाती है मंदी के माहौल में। जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर देख सकते हैं, जो दौरान जो क्रेडिट कार्ड है वो बकाए में बढ़ोतरी हो जाती है, उनके क्रेडिट कार्ड के बकाए में बढ़ोतरी हो जाती है। और उसके अलावा जो रोजगार देने की घोषणा करने लगती है सरकारें, क्योंकि रोजगार की कमी होने लग जाती है उस समय, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ने लग जाती है धीरे धीरे, स्टील के उपयोग में भी कमी आ जाती है, लोग शॉपिंग मॉल में जाकर जरूरी चीजें खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। इस प्रकार ये कुछ कुछ संकेत हो सकते हैं मंदी के। परंतु अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में जो संकेत है वो कुछ अजीब ही है। अगर हमारी यहाँ से देखें तो वहां पर जो है वो लोग अंडरवियर खरीदना कम कर देते हैं, इसको अंडरवियर इंडेक्स कहते हैं। वहां पर इसी प्रकार के कुछ अलग अलग इंडेक्स हैं, जिसमें कि अमेरिका अगर देखा जाए तो बहुत ही चतुर है या बहुत ही समझदार है वहां की मंदी को समझने में, वहां के इंडेक्स, जैसे कि शैंपेन इंडेक्स होता है वहां पर, और जो कि 1980 में वहां काफी शैंपेन खरीदी गई थी, मतलब कि वहां पर उस समय लोग खुशी थे और वहां पर मंदी के हालात कहीं से कहीं तक नहीं थे। जब वहां पर खुश होते हैं तो वहां पर शैंपेन अधिक खरीदते हैं, इसलिए वो शैंपेन इंडेक्स कहते हैं। और अंडरवियर इंडेक्स इसलिए कहते हैं, अगर मंदी होती है तो लोग खरीदना कम कर देते हैं अंडरवियर आदि अपने सामान। उसके अलावा एक लिपस्टिक इंडेक्स होता है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे वहां पर अगर मंदी के आसार होते हैं तो वहां पर लिपस्टिक इंडेक्स को देखा जाता है, अगर इसमें भी कमी होती तो यानी कि मंदी के आसार दिखते हैं। क्योंकि 2000 में अमेरिकी महिलाओं ने लिपस्टिक का प्रयोग कम कर दिया था, जबकि उससे लिपस्टिक की बिक्री घट गई थी और वहां पर मंदी जैसे हालात देखे गए थे। उसके अलावा जो हेमल इंडेक्स है, यानी जो स्कर्ट्स होती है युवतियों की, उनकी लंबाई पर आधारित होती है। जब ऐसे मंदी के आसार होते हैं तो महिलाएं वहां पर लंबी स्कर्ट्स पहनने लग जाती है, क्योंकि जो वह थोड़ी सस्ती आती है, और जो शॉर्ट से जो थोड़ी कम लंबाई की इंडेक्स होती है, कम लंबाई की होती है, वह उसके दाम बढ़ जाते हैं, इसलिए वहां पर लंबी स्कर्ट्स पहनने लग जाती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी अमेरिकी महिलाओं की स्कर्ट की लंबाई बढ़ गई थी, जहां पर अमेरिका में मंदी देखी गई थी। कोरोना काल में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर लंबी स्कर्ट्स और लंबाई लेकर सरकार का कोई वहां पर ये नहीं है, तय नहीं करती है, परंतु मानसिकता के आधार पर आर्थिक मंदी की पदचाप इस प्रकार से सुनाई देती है। उसके अलावा जो डायपर इंडेक्स भी है, बच्चों के डायपर बदलते समय पालक थोड़ा वक्त लगाते हैं, क्योंकि वो अपने आर्थिक मंदी पर क्या असर डालेगी वो सोचते हैं। इस प्रकार हर देश के समाज के अपने अपने मापदंड और संकेतक हैं, यहाँ पर यह दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले एक और लेख की तरफ, जो कि एक और मुख्य लेख यहाँ पर दिखाई देता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा इसमें जो आतंकी फंडिंग पर लगे हैं पूरी तरह से लगाव, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर रखते हैं। हम इसके अलावा, क्योंकि यह वैसे भी लंबा हो गया है, तो हम दूसरा वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।